हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? ठीक यस सर। है। सर मैंने लेट ज्वाइन किया, आपने क्या बताया आपका? कुछ नहीं, यही बताया। डन सर। गुड। देखो बच्चों, जैसे समेशन में टेलीस्कोपिंग होती है ना, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी टेलीस्कोपिंग होती है। सर पाई वाला मल्टीप्लीकेशन के लिए होता हाँ,
उसमें क्या होता है, बस कुछ पढ़ना नहीं है, कोई खास मुश्किल नहीं है। एफ आर प्लस वन अपॉन एफ आर की फॉर्म में होना चाहिए, और लेट्स से अगर हम उसको आर इक्वल टू ए से बी तक का समेशन कर रहे हैं ना, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ना, तो आंसर कुछ नहीं है, ये बड़ा भाई है ये छोटा भाई है, इस बार डिवीजन में आएंगे बड़ा भाई छोटा भाई, तो आंसर आएगा एफ ओ बी प्लस वन बाई एफ ए। नोट कर लो, खुद सोच लो, जब मल्टीप्लाई करते जाओगे तो कट जाएगी ना ये एफ एफ वन एफ टू एफ टू एफ थ्री एफ थ्री एफ फोर, ऐसे कटते चले जाएंगे ना, दिख रहा है ना? हाँ सर, फंडे की तरह लिखना है क्या? हाँ पंडे की तरह लिख लो, मल्टीप्लीकेशन में भी यू हैव टेलीस्कोपिंग, अब ऐसे उल्टा भी अगर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर आ जाएगा एफ ए अपॉन एफ ओ बी प्लस वन। वो होता है टेलीस्कोपिक सम, ये होता है टेलीस्कोपिक टेलीस्कोपिंग प्रोडक्ट। सर हमें कहीं ये क्रॉस चेक नहीं करना चाहिए कि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है? नहीं होगा यार, क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं होगा, फिर
आप एक बार सी वाला कर सकते हो प्लीज? सी वाला बताता हूँ, सर सी वाला जीरो नहीं होगा? सी वाला जीरो, ओके ओके, बिकॉज आर इज या वन से स्टार्ट कर दिया, इसके लिए चेंज कर दो चलो। टू से स्टार्ट कर दो, ठीक है। ए और बी हो गए बच्चों? यस सर। हाँ देखो सी वाला, देखो बच्चों जो बच्चे परेशान है सी से, सी वाला क्वेश्चन वो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, सी देखो क्या आपने इसको फैक्टराइज किया, करेक्ट यस और नो? Yes. तो एक चीज देखो, प्रोडक्ट दो अलग कर सकते हैं। हाँ मतलब दो प्रोडक्ट आप अलग तोड़ सकते हो, एक ये वाला तोड़ लो
और एक ये वाला तोड़ लो. इज दैट ओके क्लास? सबको समझ में आ रहा है ना, ऐसे दो अलग प्रोडक्ट तोड़ सकते हैं. हाँ सर. ओके, तो अब इसको देखो बच्चों, ये r माइनस वन है तो इसके साथ r होना चाहिए था, तो r है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, r ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं. जैसे टेलीस्कोपिंग में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है. अच्छा, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट है ना? यस और नो? ये तो पढ़ाया हुआ है कि ये आर है तो उसमें आर की जगह आर प्लस वन डाल के ऊपर वाला ही आएगा, करेक्ट? यस सर. तो आई थिंक हमारा आंसर आ जाना चाहिए. अब देखो, इसमें से भी वापस इसको एक अलग टेलीस्कोपिंग ले लो, इसको एक अलग टेलीस्कोपिंग ले लो, तो 2 बाय एन, 1 बाय एन इंटू 2 बाय एन प्लस 1 इंटू, इसमें 2 डालेंगे, 4 माइनस 2 इज 2 प्लस 1 इज 3, और ऊपर ये आंसर. हम डायरेक्टली r प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन r माइनस 1 होल स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते हैं? R plus 1 whole square कहाँ है बेटा? वो R square plus, oh sorry, sorry sorry. सर हम एन प्लस टू नहीं लिखेंगे, एन प्लस टू और एन प्लस वन. इधर बेटा सर, जो लेफ्ट में जो ब्रैकेट है ना, उसे वन डिवाइड बाय एन प्लस वन और दूसरे वाले में वन डिवाइड बाय एन प्लस टू होना चाहिए ना, क्योंकि हम अपर लिमिट प्लस वन लिखते हैं ना. इसमें आप टू डालोगे और इसमें आप एन डालोगे ना. सर एक में f ऑफ b प्लस वन और एक में f ऑफ b a डाल देना बेटा. बड़े भाई में r की जगह b डालते हैं और छोटे भाई में r की जगह a डालते हैं, बस इतना है. ठीक है सर. सर e में डिफरेंशिएट करेंगे क्या? देखते हैं. नहीं करेंगे. सर एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन जा सकते हैं सर? आपने बोला कि बड़े भाई में बी डालते हो, छोटे में ए डालते हैं, तो फिर आपने यहाँ पे एफ ऑफ बी प्लस वन क्यों लिखा है? तुम बताओ.
अपने पुराने नोट्स रिवाइज करो जरा, क्या करते हैं टेलीस्कोपिंग में। अच्छा समझा, क्योंकि आर प्लस वन है इसके लिए। सर बाकी के जो बचे पार्ट है ए बी डी और ये आप उनका आंसर लिख सकते हैं ताकि हम मैच कर लें। अभी लिखते हैं, सिर्फ आंसर लिख दीजिए। सर ई में क्या करेंगे? हाँ सर सिर्फ ई बता दीजिए ना। डी कर ले, डी डी हो गया जनता। डी देख लें, डी वाला पार्ट। सर आर थ्री से है। करेक्ट है? हाँ सर। यस सर। अच्छा कभी कभी वो ऐसे भी दे सकता है। ऐसे में पता क्या करते हैं, ऐसे में पहले तो इन्फिनिटी को रिप्लेस करो एन से और पूरा क्वेश्चन नॉर्मली चलाओ, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, यहां पहुंच जाओगे। फिर यहां पर लास्ट स्टेप में लिखो फाइनल आंसर इज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ट्वाइस एन प्लस वन अपॉन एन इंटू थ्री। करेक्ट है? हाँ सर, मतलब ऐसे ही छोड़ दें। नहीं ऐसे नहीं छोड़ना है, मतलब ठीक है लिमिट तुम्हें आता नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर नीचे n की हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो। n की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है ना। करेक्ट? हाँ सर। बताओ 1 बाय n कांट एंड कर जाएगा? 0 0 तो 2 बाय 3। तो लास्ट स्टेप पे लिमिट लगा देना होता है अगर वो ऊपर इंफिनिटी पहुंचा दे। कभी भी टेलीस्कोपिंग सम में भी, अगर टेलीस्कोपिंग सम में याद रखो कभी भी इफ दिस इज गिवन ना, इफ दिस इज गिवन कि कोई भी टी आर है उसका सम उसको आर इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी पहुंचाना है, इसका मतलब पता है क्या होता है? पहले समेशन टी आर का निकालो आर इज इक्वल टू 1 टू एन तक निकालो और उसके बाद लास्ट में लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी लगाओ। अब ये लिमिट चैप्टर का क्वेश्चन बन जाता है एक तरह से, ठीक है? इवन एक प्रोडक्ट है तो इसका मतलब क्या होता है, पहले आप प्रोडक्ट का आर इज इक्वल टू 1 टू एन तक का निकाल लो और फिर बाद में लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी लगाओ। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, बस कुछ फंडे लिख सकते हो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर भी लेट से ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी अगर होता है और नीचे पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन प्लस आर होता है, एन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, एन स्क्वायर से डिवाइड करके इट विल बी ए बाई पी इफ, एक मिनट ए बी सी को जरा वैल्यू दे देता हूँ वो बेटर है। Let's say 3n square plus 2n plus 1 upon 4n square plus 5n minus 7. कितना आएगा इसका आंसर? 3 by 4. सर ये एक तरह से वैसे हो गया ना कि इन्फिनिटी की स्क्वायर के सामने दूसरा कोई की वैल्यू नहीं है।
इफेक्टिवली वही चीज है। और फिर इनफिनिटी स्क्वायर इनफिनिटी का आंसर बताना। जीरो जीरो करेक्ट, क्योंकि इसमें एन स्क्वायर हाईएस्ट पावर ऑफ सी डिवाइड करेंगे ना। और इसका आंसर बताना इन्फिनिटी। हाँ इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है तुम लॉजिक समझ गए, इसका आंसर बताना अगर ऐसा आ गया। ये जैसे कई बार आ जाता है, वन वन। ठीक है मैं लिमिट पढ़ा नहीं रहा हूं अभी, मतलब मैं बस इतना बता रहा हूं जितना इस चैप्टर का काम चल जाए। सर मतलब बेसिकली ऐसा ही कर रहे ना कि n को इन्फिनिट डाल के बाकी सबको ऐसा इवैल्यूएट कर रहे हैं। करेक्ट, हाँ वही कह रहे हैं। नेक्स्ट चीज दूं सर, एक मिनट सर नोट करने। चले नेक्स्ट पेज पर। हाँ सर हो गया। हो गया सर। Noted? Yes, sir. Okay, sir. एक बच गया ना क्वेश्चन, ये वाला आर इज इक्वल टू वन टू एन है जीरो टू एर, यही है ना। हाँ सर हम देखो
अब सर डिफरेंशिएट तो नहीं करेंगे ना, ये फिर प्रोडक्ट लग जाएगा। डिफरेंशिएट में तो एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन कहां से आ जाएगा यार उसमें। अब देखो जरा ध्यान से, पहली बात ये टेलीस्कोपिंग तो है नहीं, कुछ नीचे होना चाहिए ऊपर नीचे होना चाहिए, करेक्ट? हां सर, राइट। अच्छा अब अगर मैं सपोज करो इसका अगला टर्म मुझे बनाना हो, इफ आई हैव टू क्रिएट दैट अगला टर्म, लेट्स से ओके, अगर मुझे अगला टर्म क्रिएट करना है तो अगला टर्म में यहाँ पावर 2r के साथ क्या आएगी, 2r प्लस 1 या 2r प्लस 2? 2r प्लस 2, 2r प्लस 2 होगी ना, मतलब अगर ये सर आएगा, ठीक है। अच्छा देखो जनता, हम देखो इसमें हम क्या पंडा लगाते हैं, ध्यान से देखना, मैं ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करूं, रिवर्स फैक्टराइजेशन, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, हाँ, 1 - x की पावर 4r हो जाएगा क्या? यस सर। हाँ सर। तो फिर बात नहीं बनेगी, देखो अगर ये 4r हो गया ना तो फिर बात नहीं बनेगी, ये टेलीस्कोपिंग नहीं होगी, देख रहा है? हाँ। अच्छा अच्छा देखते हैं है क्या, तो इसका मतलब हमारा ये तरीका फेल हो गया, सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है कोई बात नहीं, फेल होने देते। अच्छा ये देखते हैं ये है क्या बीमारी, लेट्स सी व्हाट इज दिस बीमारी। ये है 1 + x, 1 + x² 1 + x की पावर 4। सर 1 + फर्स्ट वाला x की पावर 0 है ना? हां हां 1 + 1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, हम मल्टीप्लाई बाय 1 - x अप एंड डाउन। रुको 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 बच्चों, मैंने ना थोड़ा सा गलत दे दिया लगता है क्वेश्चन, मैंने अपनी मेमोरी से दिया था ना, तो मेरी पूरी सी मिस्टेक हो गई, काम करो 1 - x = 2r + 2 / r। समझ रहे हो क्या लिखना है, थोड़ा सा इसका करेक्शन कर लो, मैंने एक्चुअली अपनी याददाश्त से दिया था ना, थोड़ा सा गलत हो गया, तो एक इसको ऐसा समझो ये। हाँ सर अभी तो हो जाएगा ना, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स की पावर 2 की पावर आ रहा है, ऐसा कर, पावर में 2r नहीं है, वो 2 की पावर आ रहा है, करेक्शन कर लो, वो पिछला वाला क्वेश्चन वैसे नहीं होने वाला था। सर आर को 1 करना पड़ेगा ना, डिनोमिनेटर से 0 होगा, नहीं 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 सॉरी सॉरी सर। देखो बच्चों जब भी इस तरह की टर्म्स आती है ना, ये नोट कर लो, ये हम लोग ना कई बार करेंगे ये काम, इसे हम लोग ना कॉन्जुगेशन बोलते हैं, विल डू इट मेनी टाइम्स, और ये उतना आसान है नहीं, काश ये इतना आसान होता, जब भी, और ये उस वक्त होता है जब ये 1 + x, 1 + x² 1 + x की पावर 4 होते हैं ना, इसमें हम यूजली ये वाला फंडा यूज करते हैं, 1 + x * 1 - x,
इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके चेन रिएक्शन जैसा चालू हो जाए, दिख रहा है? हाँ सर। तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं क्या इसमें, चेन रिएक्शन सा चालू हो जाए? वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, वन माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो जैसे आपने 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या होता है, ओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके चेन रिएक्शन चल रहा है। करेक्ट 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 करेक्ट। आपने इस जैसे क्वेश्चन और भी करे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, बस आपने उनको एक जगह नहीं लिखा है, जैसे ही मैं दिखाऊंगा ना आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा, अच्छा हाँ सर ये कॉन्जुगेशन कई, और इसको चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। मैं इसके जैसे क्वेश्चन देता हूँ आपको, अभी दिख जाएंगे, अरे हाँ सर ऐसा देखा है, ये पहली बार नहीं देख रहे हम। टेलीस्कोपिंग भी एक तरह से चेन रिएक्शन ही हो गया ना, टेलीस्कोपिंग भी चेन रिएक्शन ही है। अब आई थिंक आप समझ गए ना, ये मल्टीप्लाई होते होते क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर n का भी स्क्वायर हो जाएगा लास्ट में, हाँ है ना? हाँ सर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 2 n प्लस 1। देखा सबको ये चेन रिएक्शन? हाँ सर। इसे नोट कर लो, अभी मैं तुम्हें दिखाऊं, और भी दिखाता हूँ तुम्हें, दिख जाएगा, अरे हाँ सर ये देखा हुआ है, देता हूँ तुम्हें एक चेन रिएक्शन। ऐसे ट्रिगो में भी किया था। एग्जैक्टली ये वही है, वही है, वही है। सर किसमें किया था? देता हूँ, मैं देता हूँ क्वेश्चन, देता हूँ पहले कॉपी करो। हाँ सर वो टाइम का 90 माइनस करके कट होता जाएगा सर। पहले कॉपी तो करो। हो गया सर, एक मिनट। हो गया, ये देखो ये वाला क्वेश्चन,
पहले वाला ये हो गया? यस सर। सर एक बार करिए ना, क्लिक नहीं हो रहा। पहले वाला तो बहुत कॉन्जुगेशन हमेशा तब क्लिक होता है जब आप उसको थोड़ा लिख लेते हैं। क्या आता है बच्चों इसका आंसर, जल्दी बताओ। ये तो करा ही हुआ है हमने। ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करके इसमें चेन रिएक्शन चालू होता है? टू साइन एक्स। टू साइन एक्स, इसमें अगर आपने ऊपर नीचे टू साइन एक्स मल्टीप्लाई कर दिया तो टू साइन एक्स कॉस एक्स विल बी साइन टू एक्स। दिख रहा है चेन रिएक्शन? हाँ सर। पर हर बार टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक टू रेस टू एन। हाँ तो एक्चुअली साइन टू साइन एक्स मत मल्टीप्लाई करो, डोंट मल्टीप्लाई टू साइन एक्स। टू कितनी बार मल्टीप्लाई चाहिए अपने को? एन टाइम्स चाहिए ना, तो टू की पावर एन साइन एक्स मल्टीप्लाई करो ताकि हर बार टू मिल जाए। तो साइन टू एक्स, साइन फोर एक्स, साइन एट एक्स, चलते चलते कैसा हो जाएगा? लास्ट वाले एंगल का भी डबल हो जाएगा। साइन टू रेस टू एन एक्स। एक्चुअली टू की पर एन प्लस वन चाहिए होंगे यार, नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस वन है ना? हाँ सर, अगर आर वन होता तो एन लगता है। हाँ आर वन, उस मिस्टेक मत कर देना। जीरो से एन में एन प्लस वन टर्म्स होते हैं। इनफैक्ट ये तो हमने ट्रिगो वन में याद ही किया था इसको, कि अगर कॉस एक्स, कॉस टू एक्स, कॉस फोर एक्स ऐसी सीरीज है तो वन टू फोर तो अगला होगा साइन एट एक्स अपॉन एट साइन एक्स। याद किया था ना? किया था कि नहीं? हाँ सर। यस सर। वही तो है ये सर, तीनों हो गए। गुड, डी वाला सही है क्वेश्चन बेटा, क्योंकि मैंने अपनी याददाश्त से दिया है। इज इट करेक्ट क्वेश्चन? सही है ना? सर बी और सी में दिक्कत आ रही है। बी वाला किसी से हो गया? कोई बच्चा कर पाया? मतलब फिनिश हो गया ना इसका, मतलब बी डूएबल है ना? सर आई एम नॉट श्योर। अच्छा फिर देखता हूँ मैं, क्योंकि मैंने बी अपनी मेमोरी से दिया है कि ये यही था क्वेश्चन शायद। बी अगर किसी को टफ लग रहा है तो पहले सी कर लो, सी आसान है बी के।
देखो आई डोंट नो वेदर तुमने ट्रिगो वन में बी पार्ट जिस बच्चे को परेशान कर रहा है ये पढ़ा है क्या? ये वाला रिजल्ट पढ़ा है क्या? नहीं सर, बड़ा भी देख के समझ गया। देख के समझ गए ना, इसको याद रखो अगर ये नहीं पढ़ा। कॉस्ट टू एस अभी भी कोई चैप्टर तुमने ये नहीं पढ़ा रिजल्ट। कितने लोगों ने नहीं पढ़ा ये रिजल्ट? नहीं प्रूव कर लेंगे, मैं वो मान गया। डोंट से सर प्रूव कर लेंगे। अगर प्रूव करने की ही बात होती है तो क्लिकिंग प्रूव करने वाला जो होता है ना, तुम प्रूव कर लेंगे, वो क्लिक नहीं होता है। अगर याद होता है तो क्लिक होता है। सबको डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? प्रूव कर लेंगे और याद होने में चमक रहा है ना? हाँ, तो कितने रेज योर हैंड्स, एक मिनट रुको। हाँ, कितने बच्चों को ये याद था ये रिजल्ट? बाकी सब याद करो इसको। ये अपने मॉड्यूल में भी है और ये लोनी की बुक में भी है, पर मॉड्यूल में भी है, इसको याद रखना है, क्रूशियल रिजल्ट है। और रुको, मुझे जरा क्वेश्चन सही चेक करने दो, क्वेश्चन सही दिया है क्या मैंने? रुको एक सेकंड, अगर वो दूंगा क्वेश्चन सही नहीं है, वही बोल रहा था कि यार मैंने अपनी याददाश्त से दिया है क्वेश्चन, एक टेस्ट में आया था, माइनस वन होगा। हाँ, तभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। आई थिंक सो, हाँ माइनस होगा। सर तो रिजल्ट में भी माइनस वन होगा ना? और एक मिनट रुको, और इधर भी किसने करके से दिए थे? किस बच्चे ने कर दिए? करके से दिया था भाई, माइनस होगा दोनों जगह। मैं वही कह रहा था कि मैंने आपकी मेमोरी से दिए, एक बार जरा चेक कर लो किसने कर दिए कि सही है कि गलत है। गलत है यार, अब सही है। सर इसके पहले वाला सी राइट था। क्या क्या बेटा? सर इसके पहले वाला जो सी था वो हो गया विद प्लस। पता नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। चलो मैं चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ। पहले अभी बी वाला पार्ट करते हैं, लेट्स बी वाला। बी वाला सॉल्व करें बच्चों। सर 5 मिनट रुको।
हाँ सर सही है। चलो जी बी वाला करें। बी ये है देखो, कॉन्जुगेशन ना तभी चमकता है जब पूरा लिखते हैं। टेलीस्कोपिंग का ना ये जो पार्ट है ना कॉन्जुगेशन, इसमें पूरा लिखना ज्यादा बेटर होता है। टेलीस्कोपिंग में वो टी आर के अंदर ही आप हैंडल करके कट कटा के आंसर दे देते हो। इसमें ना पता है खाली इससे ना ऐसे इमेजिन नहीं हो पाता, इसमें आपको पूरा लिखना ही बेटर है। तो जैसे ये है कॉस एक्स माइनस वन, यही है ना ये? हाँ सर। और ऐसा है ये, और घबराओ मत, ये थोड़ा सा टफ पार्ट है, कोई मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको। सर टू रेस टू एन प्लस एन माइनस वन। शाबाश। तो आई थिंक सबको चेन रिएक्शन चलाने के लिए समझ में आ गया होगा, ऊपर नीचे टू कॉस एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई करते थे, है ना? हाँ सर। ये मल्टीप्लाई किया, ये जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये डिफरेंट मेजर टेस्ट टेस्ट जेई उसमें आए हुए हैं। मैं बस आपको ना अपनी याददाश्त से दे रहा हूँ, क्योंकि तो हो सकता है थोड़ा सा लिखने में गलती हो। ओके, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या बनेंगे? टू कॉस टू एक्स प्लस वन, वो बनेगा करेक्ट। और ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या बनेंगे? टू कॉस फोर एक्स प्लस वन। तो लास्ट वाला मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? टू कॉस टू रेस टू एन प्लस वन एक्स प्लस वन। शाबाश। और नीचे टू कॉस एक्स प्लस वन। सही है, ये तो जेई का ही क्वेश्चन है। मिस्टेक किया पहले, कर कैसे दिया तुमने? नहीं किया था। सॉरी सर, उसमें गलती कर दी सर। मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया था। फॉर्मूला वगैरह अच्छे से याद रहने चाहिए बच्चों, कोई भी चैप्टर अपने को। कोई भी चैप्टर अपने को वीक नहीं छोड़ना है। कई बच्चों की आदत होती है उनको कोई टीचर वीचर या कोई कह देता है ट्रिगो तो कोई जरूरी नहीं है। अरे भाई ट्रिगो जरूरी नहीं है, ट्रिगो आगे तुम्हें पता है कितने चैप्टर में इन्वॉल्व हो जाएगी, वो अकेला चैप्टर नहीं खराब करके जाएगी, वो पूरी रैंक खींच के ले जाएगी नीचे। हर चैप्टर करो, चाहे टाइम लगे चाहे कुछ लगे, पर ढंग से करो, पूरा करो, पूरी बुकलेट करो। एक्सरसाइज थी फिर भी मैं कह सकता हूँ कि चलो ठीक है, एक थोड़ा सा ऑप्शन मिल जाता है कि करना है देख लो, वो करो, असाइनमेंट करो, एक्स्ट्रा असाइनमेंट मांगो अगर हो चुके हैं तो। और ये भी मैं आपको एक इल्यूजन बता दूं बच्चों, कई बच्चों को ऐसा लगता है एक बार कर लो फिर रिवाइज करने का मौका मिल जाता है, रिवाइज करने का मौका उतना ढंग से नहीं मिलता है। सी वाला सी हुआ बच्चों? सी हुआ? जीरो टू एनी है ना? ठीक है, हाँ तो सी की लिस्ट लिख लेते हैं। सी ये क्वाड्रेटिक है,
यही है ना, ऐसा ही है ना, हाँ, इसकी तो शक्ल पे लिखा है इसको, क्या कौन से वाले फॉर्मूले से मिलती जुलती इसकी शक्ल? a square minus b square. चलो x cube minus 1 by x minus. नहीं यार, इतने अच्छे से सिखाया था तुम्हें ये, x की पावर 4 plus x square plus. हाँ, 1 plus x square plus 1 by x plus 1 के दो फैक्टर होते थे, याद आ गए? यस सर. तो पीटो पकड़ के अब पिट गया. ये बुकलेट में भी है वाला कुछ. सर आप वो लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार दिखा सकते हो? हाँ, पहले इसे कॉपी करो सब लोग यहाँ पर. करना डी नहीं, इसको क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे ना. लास्ट क्वेश्चन जो बच्चा देखना चाह रहा है वो देख ले. देखिए सर, ई से वो डेफिनेटली है ना, पहले सी के बाद ई कर देना पहले. सर जीरो आएगा. नहीं सॉरी, इन्फिनिटी आएगा. सर ये है क्या, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर. करेक्ट. सर आप आंसर लिख देंगे एक बार? इसका आंसर लोग ये बोल रहे हैं, सही है क्या? देखिए हाँ सर, यही आ रहा है.
ई हो गया, डी देखें डी कितना फोड़ दिया, डी हो गया। हाँ सर, यस सर, कैसे किया सर वो वन माइनस सेक एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस सेक एक्स से, नहीं नहीं मिस्टेक है सर, डी यही है ना, यही है ना, हाँ क्या कर दिया किस किसने कर दिया ये? यस सर हो गया। कैसे किया बताओ सर? मैंने न्यूमरेटर को 1 प्लस cos x अपॉन cos x लिखा एंड देन आई कन्वर्टेड न्यूमरेटर टू हाफ एंगल। वेरी नाइस, एंड देन वो कट जाता है, स्क्वायर वाली सीरीज आ जाती है, ऊपर स्क्वायर्स बन जाएंगे ना। यस सर, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट जाएगा एंड देन वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही बन जाता है। देखो उसने क्या किया बच्चों, उसने ऐसा किया, आई थिंक डिनोमिनेटर से तो किसी को डर नहीं लग रहा होगा, है ना? डिनोमिनेटर से कोई डर तो नहीं लग रहा किसी को? नहीं सर। डिनोमिनेटर क्या होगा? साइन 2 की पावर n प्लस 1 एक्स अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 साइन एक्स, इज दैट ओके? यस सर। अच्छा न्यूमरेटर देखो, 2 cos स्क्वायर x बाय 2, 2 cos square x, 2 cos square 2x, से लेकर 2 cos square 2 की पावर n माइनस 1 x, सही है? हाँ सर। अब इसको कैसे कर सकते हैं, कितने 2 आ गए? n माइनस 1, चल n तो 2 की पावर n और cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा आ गया। हाँ cos नहीं थीटा लिख रहा हूँ मैं, थीटा इज x by 2 नहीं बट वैसे टाइप किया गया वैसे। करेक्ट करेक्ट बेटा, 2 की पावर n थीटा ऊपर आएगा उसका स्क्वायर है और नीचे वाला सर नहीं तो थोड़े टर्म्स कट भी हो जाएंगे ना स्टार्टिंग और लास्ट के छोड़ के। सही है क्या? हाँ सर। अब ये अंदर ब्रैकेट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बाहर तो 2 की पावर 2 n प्लस 1 हो गया, ये हो गया साइन 2 की पावर n प्लस 1 थीटा अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 साइन थीटा, साइन 2 की पावर n प्लस 1 x और ऊपर साइन x, यही है ना कहानी? यस और नो? हाँ सर। इसमें से काफी चीजें कट रही हैं, 2 की पावर n बच गया। अच्छा ये थीटा को x बाय 2 डाल देंगे तो साइन 2 की पावर n x अपॉन साइन x बाय 2 साइन, ये 2 की पावर n प्लस 1 x को वो लिख सकते हो आप सर, 2 साइन 2 की पावर n x cos 2 की पावर n x साइन x, तो ये भी इससे कट जाएगा, एक 2 वापस इस 2 को काट देगा, तो 2 की पावर n माइनस 1 साइन x, एक्चुअली साइन x में से भी एक और 2 निकल सकता है, 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2, तो cos x बाय 2 अपॉन cos 2 की पावर n x, ये आ रहा है सर। जो येलो में आपने लिखा है लास्ट वाला वो 2 रेस टू n माइनस 2 नहीं होना चाहिए क्योंकि n को अगर 1 डालते हैं तो पता मिस्टेक कर दी एक मैंने, पूछो क्या मिस्टेक कर दी सर? आपने स्क्वायर नहीं किया। अच्छा है
खैर हो जाएगा इस मेथड से, मैं तुम्हें बेटर मेथड बताऊं, बेटर मेथड बताऊं उसका? ठीक है, नोट कर ले जा पहले। हाँ ये तो नोट कर ही लो, मेरी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई। अच्छा बेटा क्यों एन माइनस टू क्यों होगा सर? क्योंकि एन को वन डालेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा ना। हाँ तो फर्स्ट टर्म टू थीटा ही तो है, नहीं एन को वन डालेंगे तो फर्स्ट टर्म क्यों मिलेगा? ये नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई है सर? मैं येलो वाले में बात कर रहा हूँ, जो डॉट 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 करके आपने कॉस स्क्वायर फिर टू रेस टू एन माइनस टू होना चाहिए ना। इस एंगल का आधा क्या होगा? वो तो एन माइनस वन होगा, वही तो लिखा है। ठीक है सर, मैं बेटर ट्रिक बताता हूँ, बताऊं? हाँ सर। बेटर ट्रिक ये कहती है बच्चों, अब आई डोंट नो वेदर तुम्हें यार, चले नेक्स्ट पेज पे चल सकता हूँ। हाँ सर, एक मिनट। सर हो गया। हाँ सर, चले देखो बेटर मेथड देखो। आई डोंट नो वेदर यू हैव स्टडीड दिस इन ट्रिगो और नॉट। ये देखो जरा, ये पढ़ा है? बहुत फेमस रिजल्ट। नहीं पढ़ा। पढ़ा नहीं, बट डिराइव हो जाएगा। हो जाएगा क्या? चेक करो जरा। सही भी लिखा है क्या मैंने? जो कह रहे डिराइव हो जाएगा, जरा चेक करो, देखो जरा डिराइव करके देखें। हाँ सर, tan 2x को 2 tan theta upon 1 minus tan square theta देख लेंगे। हाँ वो ही जाएगा ना, मतलब देखो देखो 2t upon 1 minus t square upon t है ये, और ये है 1 plus 1 minus t, 1 plus t square upon 1 minus t square। हो गया ना derive? हाँ सर। इसको याद रखो यार, ये important result है काफी ज़्यादा, कई जगह हम इसको use भी करेंगे आगे। अब वो क्वेश्चन क्या है? यही है ना? हाँ सर। तो अब तो बहुत ही चिंदी हो गया ये। ये हो गया टेन एक्स बाई टेन एक्स बाई टू, ये क्या हो जाएगा? tan 2x by tan x, इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, कॉन्जुगेशन है ही नहीं, चेन रिएक्शन है ही नहीं, तो वैसे ही टेलीस्कोपिंग है देसी वाला। इज एवरीबडी ओके?
नाइस ना। हाँ भी बच्चों ये बेटर है ना पिछले वाले से बहुत ज्यादा। हाँ ये याद रखना यार ये वाला रिजल्ट जरूरी है। इस रिजल्ट का पता है हम एक दो जगह और भी यूज करेंगे। ऊपर वाला कि नीचे वाला इंटीग्रेशन वाली सीरीज आएगी वहां भी यूज करेंगे इसका। ऐसा नहीं कि रिजल्ट मतलब रिजल्ट ऐसा नहीं होता एक ये कई जगह यूज होता है। तो ऐसा पहली बार आपको ऐसा जरूर लग सकता है यार ये क्लिक कैसे होगा। पहली बात तो ये इस चैप्टर में आपको ऐसी फील आ रही नहीं चाहिए थी क्लिक कैसे होगा। इफ यू हैड स्टडीड ट्रिगोवन वहां पे लग सकता है कि क्लिक कैसे होगा। यार तुम्हें ट्रिगोवन में ये वाले क्वेश्चन नहीं किया तुम कैसी बात कर रहे हो यार कितने फेमस क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आते तो है वन प्लस सेक्स ट्वेंटी इसकी वैल्यू पूछता है वो। इसे क्या मेहनत मजदूरी करके किया था कैसे किया था इन क्वेश्चन को कैसे किया था तुमने त्रिकोण में आए तो कैसे क्वेश्चन सर शायद किया नहीं था। करो यार ये तो वापस जेई का क्वेश्चन है इसी साल मेंस में भी आया हुआ है। करो इसको करो खत्म कितना तो चिंदी क्वेश्चन है। बुकलेट में है ऐसे क्वेश्चन यार तुमने इस स्ट्रगल में देखा होगा। रुको रुको इस स्ट्रगल में ज्यादा पॉपुलर है क्वेश्चन मैं मान ही नहीं सकता ना देखो इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन। नहीं देखा ये वाला क्या बात कर रहे हो सर देखा है ये सर देखा है करा होगा यार ये फेमस क्वेश्चन है। करो उसको पीटो पकड़ के चिंदी सा क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं तुम्हें ऐसे फॉर्म में देता हूँ इसका आंसर बहुत अच्छा आएगा। रुको तो माइनस टेन ट्वेंटी अपॉन टेन टेन आ रहा है। हाँ तो मैं और तुम्हें और अच्छा क्वेश्चन दे देता हूँ। आई विल गिव यू द क्वेश्चन जिसका आंसर वो होल नंबर्स में आता है और वो इसलिए वो जेई में आया है। ये इवेलुएट करो अब तुम्हें बड़ा पसंद आएगा ये क्वेश्चन द फेमस क्वेश्चन which came this year also in JEE mains so jo itna easy hai matlab aapne jo result yaad rakhne ko bola wo niche wala result ki upar wala result ye upar wala ek second ruko ek second ye ha ruko abhi मैं तुम्हें एग्जैक्ट जेई वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि उसका आंसर अच्छा था। ये देखो अब देखो कितना मजेदार आंसर आएगा इसका। करो एंड दिस इज हाउ इट केम इन जेई। क्या आंसर आ रहा है इसका हाँ बच्चों इसका क्या आंसर है tan 320 by tan 40। अरे नहीं यार one वो सिंपलीफाई करके बना ले बनाएगा tan 160 by tan 20 बनेगा ये और mod में सर मॉड के अंदर तो ऐसे माइनस होना रहा है ना हाँ मॉड के अंदर माइनस ये सरप्राइजिंग बात है कि इतने दिनों बाद भी ट्रिगो में अपने को नई नई चीजें मिल रही है ट्रिगो वन में। एक फॉर्मूला शीट बनाओ सब लोग अच्छे से
और उसमें वो शुरू वाले फॉर्मूले मत डालना a प्लस बी ए माइनस बी वाले, वो वाले डालो, ऐसे हेडिंग बनाओ ट्रिकी फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिगो वन एंड ट्रिगो टू, ट्रिकी ट्रिकी वाले डालना फिर, वो वाले नहीं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, वो तो कितनी बार डाल चुके हो 90 प्लस थीटा 90 एन ये सब नहीं, वो वाले डालो जो ट्रिकी वाले जो लास्ट लास्ट में आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी वाले आते हैं ना, यस सर, हाँ वो डालो, उसकी लिस्ट बनाओ जरूरी है। डाले बच्चों आगे चले, हाँ सर कोई क्वेश्चन बचा या हो गए सारे, हो गए नहीं एक बाकी है शायद, कोई बाकी है क्या, डी वाला शायद, नहीं डी हो गया ना, डी हो गया सर, सर तो जाए ई ई ई ई तो हो ही गया होगा यार, ई तो इजी था, इन्फिनिटी डालना है, हाँ बस उसमें मॉड एक्स लेस देन वन है तो उसकी पावर इन्फिनिटी अगर होगी तो वो जीरो चला जाएगा। अनिश्चित सर डाले, हाँ सर चलिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं कुछ करता हूं, हाँ बेटा बोलो सर, आज आप 2A का डिस्कशन अरेंज कर सकते हैं, हाँ सीक्वेंस एंड सीरीज आप ग्रुप पे डाल दो, 2A का अरेंज हो जाएगा सर, मैं किस चीज का 2A सर, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है ठीक है, मैं भी उसको थम्स अप कर देता हूं, चलो टेस्ट कैसा गया भाई, मस्त, हां अच्छा था, इजी था इजी था, तो फुल मार्क्स आ रहे हैं मतलब, ये रिजल्ट आ गया, किस किस के फुल मार्क्स आ गए, इजी था, तो कई लोगों को ऐसा लगता है इजी टेस्ट, ऐसा लगता है ऐसी फीलिंग आती है, इजी है तो मेरा फ्रेंड है, टफ है तो दुश्मन है, क्या ये बात सच्चाई है, नहीं इजी है तो फुल मार्क्स ला पाए क्या, नहीं, इसका मतलब इजी टेस्ट ने भी परेशान किया, फुल मार्क्स लाने टफ है तो कितने लाओ, 75% हाँ 70% तो क्रॉस करने की कोशिश करो, ऐसा होगा नहीं अभी 70% सबसे क्रॉस नहीं होगा, कुछ बच्चों से क्रॉस होगा, धीरे 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 गाड़ी से, अभी तो भी नहीं आता है, हाँ कुछ कुछ टेस्ट में 50 भी नहीं आता, हाँ तो अभी ऐसा बिल्कुल हो सकता है, मैं तुम्हें बताता हूँ ये 70% का जो टारगेट होता है ना, ये ऐसे नहीं कि आप शुरू से कैच कर लेते हो, जो आपके प्रीवियस बच्चे भी जो टॉपर्स आए हैं ना, शुरू में बच्चे वो 50% 40% पे झूलते हैं कई टाइम तक, फिर वो धीरे 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 पढ़ाई करके जब वो आता है ना, तो फिर वो मस्त ऐसे एक्सपोनेंशियल राइज होता है मार्क्स का, आप समझ रहे हो, ऐसा एक्सपोनेंशियल राइज है, तो अभी आपको लगेगा सर तो बड़ा स्लोली राइज हो रहा है मेरा, बड़ा ही स्लो राइज है, लेकिन एकदम तुम्हें पता भी नहीं चलेगा फटाक से ऐसा राइज, ठीक है तो कोई बात नहीं, तो मतलब इजी टेस्ट को ऐसे पूछो तो फुल मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फुल क्यों नहीं है, किसी के फुल है, किसी के नहीं है सर, किसी का तो है, होगा यार किसी ना किसी का तो होगा यार इजी टेस्ट का तो, क्योंकि वो फाइनेंशियल की वेबसाइट पे दिखा रहा था, चलो ठीक है बच्चों, सर हां जी सर, एक्चुअली डाउट था लाइक टेस्ट के रिगार्डिंग, अगर मल्टीपल ऑप्शंस में ए और बी दोनों करेक्ट है और डी ऑप्शन में दिखा है बोथ ए एंड बी, तो फिर हम लोग तीनों मार्क करेंगे या सिर्फ बी, लैंग्वेज क्या क्वेश्चन थी सर, मतलब लैंग्वेज बताओ सर, एक क्वेश्चन था उसमें लाइक दो आंसर्स थे लाइक एक्स वाई and z are equal and three terms are in ऊपर की लैंग्वेज बताओ, ऊपर ऊपर क्या लिखा है, ऊपर ऊपर का लैंग्वेज बताओ सर, वो इतने ढंग से याद नहीं है मुझे, मैं आपको व्हाट्सएप कर सकती हूं सर, वही वही डिसाइड बेटा, वही डिसाइड करेगा, अच्छा ठीक है सर, वही डिसाइड करेगा कि समझ रहे हो, वही डिसाइड करता है,
सर मेरे पास क्वेश्चन है अभी। सर बोलो ना, क्वेश्चन दिखाओ, भेजो ग्रुप पे। सर ट्रिगो इक्वेशंस का नेक्स्ट संडे टेस्ट है, एक ही क्लास हुआ आपका। ट्रिगो संडे का नेक्स्ट संडे टेस्ट है। अच्छा एक ही क्लास संडे हुआ? 27th को है सर, 27th अप्रैल को टाइम है। और सर मैंने भेजा क्वेश्चन। ट्रिगो इक्वेशन का लेक्चर चालू हो गया, हु इज टेकिंग ट्रिगो इक्वेशन? नितिन सर। अच्छा नितिन सर ले रहे हैं। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हाँ तो बच्चों इसमें सारे मार्क होंगे। सर मैंने सारे मार्क किए तो मेरे मार्क्स चले गए। सर मेरे भी। सर मेरे भी। हाँ सर मेरे भी। मेरे भी। सेम सर। हाँ सर। हाँ तो सारे मार्क करवा कर सकते हो। बोल दो उनको। आई थिंक आंसर डी दिया। करवा लो सही करवा। अच्छा अगर ऐसा होता ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इस तरह का लैंग्वेज होता ना, तो फिर डी समझ लो, फिर डी मार्क कर लेते। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, तो फिर डी मार्क कर लेते। समझ रहे हो, ये लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, पर इसमें तो बोला है कौन सा सही है। अब सही तो ए भी है, बी भी, और वो भी है, तो सब मार्क होगा बिल्कुल। सर मैंने ए बी सी किया क्योंकि इधर ए और डी, मतलब या तो ए रॉन्ग है या तो बी रॉन्ग है, बट दोनों करेक्ट है ना। हाँ क्यों नहीं हो सकते, अगर वो नंबर ही ऐसे आ जाए तुम्हें क्या पता, वो इक्वल भी हो सकते हैं और जीपी भी बन सकती। चलो जी ये क्वेश्चन तो उन्होंने जेई से उठा के दे दिया यार। सर तो मार्क्स मिलने चाहिए। बिल्कुल मिलने चाहिए, मैसेज कर दीजिए, बोल दीजिए अंशुल सर ने बोल दिया। चलो जी ओके, थैंक यू, बाय बच्चों, टाटा।